प्रेस क्लब हमीरपुर की अहम बैठक प्रेस रूम में अध्यक्ष दिनेश कंवर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें आगामी दिनों के लिए रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि प्रेस क्लब के नाम पर अनाधिकृत रूप से वसूले जा रहे पैसों के मामले में शामिल लोगों की जांच का जिम्मा एडवोकेट सुशील शर्मा को सौंपा गया, तो जल्द SP से मिलकर प्रेस स्टिकर के दुरुपयोग पर लगाम के लिए मांग की जाएगी। इस अवसर पर महासचिव पंकज भारती, अनुशासन कमेटी अध्यक्ष विक्रम डटवालिया, वरिष्ठ उप प्रधान अनिल शर्मा, वरिष्ठ सदस्य विजय शर्मा, अरविंद सिंह, जसवीर कुमार, विशाल, राकेश पाल सुहारो, कमल कुमार सुभाष दास के अलावा अन्य सदस्य मौजूद रहे। प्रेस क्लब हमीरपुर अध्यक्ष दिनेश कंवर ने कहा कि प्रेस क्लब हमीरपुर की अहम बैठक प्रेस रूम में आयोजित की गई, जिसमें आगामी दिनों के लिए रूपरेखा तैयार की गई। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब के नाम पर अनाधिकृत रूप से वसूले जा रहे पैसे के मामले में शामिल लोगों की जांच का जिम्मा एडवोकेट सुशील शर्मा को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रेस क्लब हमीरपुर पोंग डैम का भ्रमण करेगा, जिसके लिए भी रूपरेखा तैयार की गई है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रेस क्लब के पास जो महत्वपूर्ण विषय ये आया था कि कुछ लोग अनाधिकृत अनऑथोराइज्ड लोग जो थे वो कोई पैसों की उगाही कर रहे हैं प्रेस क्लब का नाम लेकर, तो उनके ऊपर अंकुश लगाने का निर्णय लिया गया और इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है जो सुशील शर्मा जी के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा जी की अध्यक्षता में बनाई गई है और ये जांच करेंगे कि ऐसे कौन लोग हैं और किससे पैसे लिए गए हैं और उसके पीछे उनकी क्या मंशा है, ताकि प्रेस क्लब हमीरपुर की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर अंकुश ना लगे और प्रेस क्लब जो है उसके लिए ऐसे कार्य करें। इसके साथ ही प्रेस क्लब ने ये निर्णय लिया है कि एक पर्यावरण हितैषी टूर जो है, एनवायरमेंट फ्रेंडली टूर प्रेस क्लब ऑर्गेनाइज करेगा, जिसके लिए पोंग डैम वेटलैंड में जो इंटरनेशनल वेटलैंड है वहां जाकर पक्षी विहार और वहां का फ्लोरा फौना वगैरह की जानकारी प्राप्त करेगा। इसके लिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उसका भी सहयोग लिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य निर्णय एक और ये भी लिया गया है कि प्रेस वर्ड का जो इस्तेमाल लोग गलत तरीके से कर रहे हैं उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए भी पुलिस को आग्रह किया।